अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू निशीज़ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहारी बोटी कबाब बनाने की रेसिपी। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बिहारी बोटी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 kg मीट, इन्हें पतले पतले टुकड़ों में कटवा लिया है मैंने। और मसालों में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ी सी तली हुई प्याज, 1/2 कप दही, दही का पानी पूरी तरह निकाल लें, 1 टेबल स्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून काजू का पाउडर। अगर आपके पास पॉपी सीड्स यानी खसखस है तो आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून खसखस का पाउडर डाल लें, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर मैंने कुछ साबुत खड़े मसाले लिए हैं, 4 लौंग, 5 हरी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्चें और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे, तो इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले, ये पपीते का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, यहीं पे हम डाल देंगे काजू का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक और ये तीखी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे तली हुई प्याज और ये दही और ये मसाले। इसे मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर लिया है, ये मस्टर्ड ऑयल। और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर छोड़ देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है। तो हम इसे एक बार वापस से इस तरह मिक्स कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ और अब हम अपने इस मैरिनेटेड बोटियों को इसमें इंसर्ट करते जाएंगे। और ये देखिए, तो बस ठीक इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, अब हम चलते हैं इन्हें कुक करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके एक पैन रख दिया है, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल और इसे हम कुछ देर के लिए गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम एक एक करके इसे रखते जाएंगे। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 10 मिनट तक पकाया है। अब हम इसे पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी कुक हो जाए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब तक ये पक रही है, तो चलिए हम चारकोल जला लें धुआं देने के लिए। और ये देखिए, तो इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 10 मिनट तक पकाया है। तो टोटल मैंने इसे 20 मिनट तक कुक किया है और अब ये बहुत अच्छी तरह कुक हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब हम क्या करेंगे कि एक फॉइल की प्याली इसमें रख देंगे और हमने जो कोयला जलाकर रखा है उसे हम इसमें रख देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल और इसे हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 1 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कोयले को हम साइड कर लेंगे। तो अब ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत
बहुत ही जायकेदार बोटी कबाब बनकर तैयार हुई है। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।